सो गाइस, जैसा कि मैंने बोला, आज काफ़ी थ्योरी कवर करने वाले हैं। आज का लेसन अगर आपने अच्छे से देख लिया हो तो मेजर सेवेंथ, माइनर सेवेंथ, डोमिनेंट कॉर्ड्स, जिसमें सबको प्रॉब्लम होती है क्योंकि बॉलीवुड में आजकल ये सारी कॉर्ड्स यूज़ होती हैं। आजकल बॉलीवुड में बहुत कम ही गाने हैं जिसमें आप देखोगे कि सी मेजर या बी माइनर, इन पे गाने कंप्लीट हो जा रहे हैं। आजकल सब में कॉम्प्लेक्स कॉर्ड्स यूज़ हो रही हैं। संदीप गुप्ता, कॉर्ड्स, नलिन, क्या हाल है? तनिष्क, तनिष्क, कौन सा क्वेश्चन फिर से एक बार पूछना प्लीज़। आई सॉरी, आई मिस्ड इट। तनिष्क, कैन यू आस्क अ क्वेश्चन अगेन? सिंगिंग लवर्स, हेलो, हाय सिंगिंग लवर्स, क्या हाल है? आपका कमेंट काफ़ी दिखता रहता है मुझे। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया, थोड़ा सा क्या कहते हैं, थोड़े से व्यूअर्स और आ जाएं, फिर चालू करते हैं ताकि किसी का मिस ना हो जाए। और जो लोग अभी बैठे हैं, प्लीज़ एक कॉपी पेंसिल लेके बैठो तो और समझ में आएगा। कॉपी पेंसिल इरेजर लेके बैठो तो, क्योंकि मैं कुछ डीप में थ्योरी बताने वाला हूँ आज। सो प्लीज़ कॉपी पेंसिल लेके तैयार रहो। कॉर्ड्स कॉम्बिनेशन एंड की, हाँ की भी रखूँगा। और सब लोग आज घर पे होंगे मोस्ट प्रोबेबली। शाम को सुना है सब अपने विंडो पे जाके ड्रमिंग करने वाले हैं। मैं भी सोच रहा था ड्रम किट बाहर लगा के, उसको ओवरहेड माइक्स लगा के ड्रमिंग हो कुछ शाम को। सो इसका पर्पस आई थिंक इसकी अवेयरनेस फैलाने के लिए है, जो मैंने सुना। मैंने ये भी सुना कि और भी कंट्रीज़ की गवर्नमेंट्स कुछ तगड़े स्टेप्स ले रही हैं। एनीवेज, हम लोग ड्रमिंग ही कर लेंगे। सर, अच्छे से लीड कैसे प्ले करते हैं, थोड़ा सा गाइड करना। सी, लीड प्ले करने के लिए मेरे थोड़े से गाइडेंस से कुछ नहीं होने वाला है। लीड प्ले करने के लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप क्रोमैटिक स्केल्स कितने अच्छे से बजाते हो। सो उसके लिए मैं अभी नहीं बता पाऊँगा, मैं थियोरी क्लास में ही बता पाऊँगा। सो अभी अराउंड हम लोग 20-22 लोग हैं। तनिष्क जी, आई एम प्लानिंग टू बाय इलेक्ट्रिक गिटार। ओके तनिष्क, ये जो क्वेश्चन है ना तनिष्क, प्लीज़ मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो, मेरे को याद रहेगा, मैं आपको इसका रिप्लाई कर पाऊँगा। अभी सब लोग येस बोलो, अगर सब ने कॉपी पेन लेके बैठ गए हो तो प्लीज़ से येस, अगर सब लोग कॉपी पेन लेके बैठ गए हो। यस, सब लोग, आई नीड सबके यस, क्योंकि मैं अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ, मेहनत करने वाला हूँ। सो आई वॉन्ट कि सबको समझ में आए, ताकि मेजर सेवन, माइनर सेवन, डोमिनेंट, हाफ डिमिनिश्ड, माइनर सेवन, फ्लैट फाइव, सबको समझ में आए आज। वरना सब लोग हमेशा यही क्वेश्चन रहता है कि सर ये डोमिनेंट सेवन कॉर्ड्स क्या है, आपने ये इन्वर्जन कौन से यूज़ की, आपने ये एक्सटेंशन क्यों यूज़ की। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, सबके यस आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। और अभी हम लोग 30 लोग हो गए हैं, थोड़े से और लोग आ जाएँ फिर चालू करते हैं। सबसे पहले हम लोग चालू करेंगे इंटरवल से। वेरी नाइस, सब लोग यस दे रहे हैं। आई थिंक अब हम स्टार्ट कर सकते हैं। सो सब लोग रेडी हैं? बढ़िया, स्टार्ट करते हैं। आप लोग को पता है इस पूरे का फुल फॉर्म क्या है, मैं पूरा नहीं लिखूंगा। सो इसका हम पूरा फ़ायदा उठाएंगे। मैं सोच रहा था आज अगर थोड़े से ज़्यादा व्यूअर्स होते हैं, क्लास अच्छी होती है, फ्रूटफुल होती है, तो ये मैं थोड़ा और रेगुलर कर सकता हूँ, क्योंकि सब सभी लोग इस समय अंदर हैं घर के, तो इट वुड बी बेटर कि सब लोग ये कर पाएँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहले इंटरवल से स्टार्ट करते हैं। नाउ व्हाट आर इंटरवल्स? आपको अगर ये चीज़ नहीं पता है तो कुछ भी सीखने में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। अगर आपको ये नहीं पता है इंटरवल्स क्या होते हैं, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। सो इसको ध्यान से देखना। हमारे म्यूजिक में कितने नोट्स होते हैं? वी स्टार्ट विद ए एज इन अल्फाबेटिकली, बी, सी, जिनको आता है थोड़ा सा रिलैक्स करो और अपना रिवाइज कर लो, एफ जी। म्यूजिक में एच नहीं होता है। देन दो साइंस होते हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, ये जिसको हम शार्प कहते हैं, ये जिसको हम फ्लैट कहते हैं। शार्प का मतलब होता है हाफ स्टेप या हाफ डिग्री फॉरवर्ड, फ्लैट का मतलब होता है हाफ स्टेप या हाफ डिग्री बैकवर्ड्स। ठीक है, ए और बी के बीच में दो नोट होते हैं, एक नोट होता है जिसको हम कहते हैं ए शार्प, जो कि ए से हाफ
हाफ स्टेप ऊपर है और बी से हाफ स्टेप नीचे है, तो उसको हम बी फ्लैट भी कहते हैं। ए शार्प या फिर बी फ्लैट, इसको कुछ भी कहो, ये है एक ही नोट, ठीक है। गिटार पे अगर आप बजाओगे तो एक ही नोट होगा, अभी मैं आपको बजा के भी दिखाऊंगा। ए के बाद ए शार्प आया, ए शार्प के बाद बी आया। बी का शार्प नहीं होता, ये याद रखना, बी का शार्प नहीं होता है, बी के तुरंत बाद सी आ जाता है। अगर बी का शार्प होता तो बी के बाद बी शार्प आता या फिर सी फ्लैट आता, ओके। सो सी आ गया, सी के बाद सी शार्प आया, सी शार्प या फिर डी फ्लैट, समझ में आ रहा है। सी शार्प डी फ्लैट के बाद डी आया, डी के बाद डी शार्प आया या फिर ई फ्लैट, इसके बाद ई आया। अगेन बी का शार्प नहीं होता था, ई का भी शार्प नहीं होता है, सर्कल कर दिया। ई के तुरंत बाद एफ आया, फिर है हमारा एफ शार्प या फिर जी फ्लैट, तुरंत बाद जी आया, जी के बाद आया जी शार्प या फिर ए फ्लैट। अब आप देख रहे हो, जो पिछला नोट होता है उसके आगे शार्प लिखो या फिर जो आगे वाला नोट है उसके आगे फ्लैट लिख दो, दोनों चीजें एक ही हैं, ठीक है। अगर हम टोटल नोट्स काउंट करें, ए ए शार्प, बी सी, सी शार्प, डी डी शार्प, ई एफ, एफ शार्प, जी जी शार्प, सो अगर हम टोटल यूनिक नोट्स काउंट करें तो हमारे म्यूजिक में 12 यूनिक नोट्स निकल के आते हैं। आई थिंक ये बात काफ़ी लोगों को नहीं पता होती है। लोग कहते हैं 8 नोट होते हैं क्योंकि सारे गा मा पा धा नी सा, नहीं भाई, ये उससे रिलेटेड नहीं है। वो अभी कैसे निकल के आएगा मैं आपको अभी समझाऊंगा। आई होप इतना सबको समझ में आया है, समझ में आया सो गिव मी अ यस, नहीं समझ में आया तो मेरे को बताओ, फिर से समझाऊंगा। गिटार कॉर्ड्स मैं अभी निकाल के बताऊंगा सूरज जी, यही तो बताऊंगा अभी मैं निकाल के कि गिटार कॉर्ड्स इसमें से निकलती कैसे हैं। इसी में से पूरी गिटार कॉर्ड्स निकल के आएंगे भी बाहर, कैसे निकल के आएंगे मैं बताऊंगा कि इसी में से सॉन्ग्स को कैसे फिगर आउट करना है। आपने कोई सॉन्ग सुना, आपको उसकी कॉर्ड्स निकालनी है। जैसे कि मैं जो अपने ट्यूटोरियल्स में करता हूँ, आप लोग मुझसे हमेशा कहते हो कि गाना अभी आया 30 मिनट पहले, 30 मिनट बाद आपने इतना डिटेल ट्यूटोरियल कैसे डाल दिया, क्योंकि आई नो द थियोरी थोड़ी बहुत, मैं उस थियोरी को अप्लाई करता हूँ उस सॉन्ग में, उसको अच्छे से सुनता हूँ, मेरे को जो जो कॉर्ड्स सुनाई पड़ती हैं मैं उन कॉर्ड्स को आपको बताता हूँ और मोस्ट प्रोबेबली सही कॉर्ड्स होती हैं। वेरी गुड, आई थिंक सबको समझ में आया, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, ठीक है। अगर हमें इंटरवल समझ में आ गए हैं, हमें समझ में आ गया, देर आर 12 डिफरेंट नोट्स इन म्यूजिक, संगीत में 12 सुर होते हैं, आपको जैसा भी कनेक्ट कर पाओ आप। एक बार इसको मिटा देते हैं, आई होप सब ने अपनी नोटबुक्स में लिख लिया है। अच्छा, बाय द वे, म्यूजिक स्कूल्स में ऐसी क्लासेस होती हैं, ऐसी नोटबुक लेकर बैठना होता है, ऐसे टीचर्स पढ़ाते हैं, तो आज आप एक वर्चुअल म्यूजिक स्कूल में हो, कॉन्ग्रेट्स। सो हमने इंटरवल्स पढ़ लिए, तो हमने अभी क्या पढ़ा कि देर आर 12 डिफरेंट नोट्स इन म्यूजिक, ठीक है। नोट्स लिखते हैं एक बार सब लोग, खुद से अपने आप को रिवाइज करो। ए, ए शार्प या फिर बी फ्लैट, वेरी नाइस। बी, सी, सी शार्प या फिर डी फ्लैट, वेरी नाइस। डी, डी शार्प या फिर ई फ्लैट, वेरी नाइस। ई, एफ, एफ शार्प या फिर जी फ्लैट, वेरी नाइस। जी, जी शार्प या फिर ए फ्लैट। अगर आप सबको काउंट करो, मैं फिर से ए इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि शुरू में लिखा हुआ है, वरना वो दो हो जाएंगे। हम डिफरेंट नोट्स की बात कर रहे हैं, रेपिटेटिव नोट्स की नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है। ए से लेकर ए फ्लैट अगर आप काउंट करो तो 12 नोट हैं। इतना हमने समझ लिया है, इतना हमने कर लिया, अब हम इसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आपको ये सारे इंटरवल समझ में आ गए हैं, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब जो मेजर स्केल होता है, सबसे मैं बता रहा हूँ, अगर अभी मैं बैठ के, जैसे मैं खुद इंटरनेट पे और यूट्यूब पे बैठ के जैज़ सीखता हूँ आजकल, जैज़ में भी सारे कॉन्सेप्ट्स, सारी चीज़ें मेजर स्केल से निकाली जाती हैं, कोई माइनर स्केल से नहीं निकाली जाती है, कोई डिमिनिश स्केल, कोई भी ऑल्टर्ड स्केल, किसी से कुछ नहीं निकालते, ये लोग सब कुछ मेजर स्केल से निकालते हैं। मेजर स्केल समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स कम बैक टू दिस टॉपिक कॉल्ड द मेजर स्केल। अच्छा, बाय द वे गाइस, स्केल बहुत तरह के होते हैं, मैं आप लोग को सुनाता हूँ, स्केल बहुत तरह के होते हैं। नाउ व्हाट इज अ स्केल? स्केल इज अ कलेक्शन ऑफ नोट्स। जैसे कि जो मेजर स्केल है, ये मेजर स्केल है। अब मैं एक और स्केल बजाऊंगा जो बहुत कॉमन है रॉक म्यूजिक में, देखो इट साउंड्स लाइक रॉक। रॉक सा साउंड करता है एकदम, ब्लूज। अब मैं एक और स्केल सुनाता हूं, ये आपको एक सॉन्ग की याद दिला देगा।
ये एक राग टाइप का है बट ये भी एक स्केल है। सो अभी हम जो स्केल की बात करेंगे, मैंने ये सारे स्केल्स मेजर स्केल में से निकाले। जो मेजर स्केल था या फिर ओके सो अब मैं इसमें से निकालूंगा। सी गिटार रख देता हूं, मेजर स्केल पे आते हैं। मेजर स्केल मेजर स्केल, उसको शायद हिंदुस्तानी स्केल भी कहते हैं और द इस्लामिक स्केल, कुछ भी कह लो, मैं उसको मेजर स्केल बोलूंगा। इसको निकालने का तरीका बताता हूँ, एक फॉर्मूला होता है। मतलब कोई भी आप इससे स्केल निकाल लोगे, कोई भी स्केल, चाहे वो ए मेजर स्केल हो, बी मेजर हो, सी मेजर हो, सी शार्प, डी, जितने भी अभी हमने 12 नोट्स डिस्कस किए, हर 12 नोट का एक करस्पॉन्डिंग स्केल होगा ये, ठीक है। सो अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूँ, ये फॉर्मूला आपको कहीं मिलेगा नहीं, ये आपको म्यूजिक स्कूल्स में बताया जाता है फॉर्मूला। ध्यान से सुनना, होल होल हाफ, होल 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 हाफ। होल क्या है? अब होल का मतलब है एक पूरा इंटरवल, एक टॉनिक इंटरवल। टॉनिक इंटरवल, पूरा इंटरवल क्या होगा? अभी हमने डिस्कस किया था ना, ए शार्प बी, तो जो ए और बी है इसके बीच में एक शार्प है, तो ए और बी आर एट अ डिस्टेंस ऑफ अ टोन या फिर होल। समझ में आया तो प्लीज यस बोलना, मैं सबके कमेंट्स पढ़ रहा हूं। हाफ इंटरवल ओके, या फिर सेमी टोन। हाफ इंटरवल होगा बी के बाद सी डायरेक्ट या सी के बाद सी शार्प डायरेक्ट, ये हाफ इंटरवल्स हैं, ठीक है। समझ में आया तो यस बोलना, वेरी नाइस, मुझे सब पे यस आ रहे हैं, दैट्स वेरी गुड, सब लोग कस के समझ रहे हैं आज। अब देखो, जो मैंने फॉर्मूला लिखा था मेजर स्केल निकालने का, होल होल हाफ, होल 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 हाफ। सपोज हमें निकालना है सी मेजर स्केल, तो पहले लिखो सी। सी मेजर स्केल में कौन कौन से नोट्स होंगे? हमने पहले, क्योंकि सी इज द रूट, तो पहले सी लिख लो। नाउ होल, एक पूरा स्टेप, मतलब सी शार्प को छोड़ो, अगला नोट लिख लो। अगेन होल, डी शार्प को छोड़ो, अगला नोट लिख लो। हाफ, हाफ मतलब जस्ट नेक्स्ट वाला, एफ, होल 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 हाफ। ये बन गया सी मेजर स्केल। सी मेजर स्केल में यही नोट्स होते हैं। अब मैं इनमें से कॉर्ड्स भी निकाल के दिखाऊंगा, सारी कॉर्ड्स इनमें से निकलेंगी। सपोज कोई सॉन्ग है, मैंने कोई सॉन्ग सुना, उसमें मैंने कहा यार इसकी कॉर्ड्स कैसे निकालूंगा, मैं पता क्या करता हूँ, मैं पहले कॉर्ड्स को स्ट्रम करके देखता हूँ। सपोज कोई सॉन्ग सी मेजर पे, सपोज गिव मी सम सनशाइन गिव मी सम रेन फ्रॉम थ्री इडियट्स। मुझे याद है जब मैंने ये मूवी थिएटर में भी देखी थी, तो मैं उधर, मेरे को लग रहा था कि दिस इज अ सी मेजर। सी मेजर की काफ़ी फेमिलियर साउंड है, म्यूजिशियंस को रट जाती है। सी मेजर मैंने स्ट्रम करके देखा, मैंने देखा हाँ कि मतलब पूरे गाने में अगर आप सी मेजर भी बजाते रहो तो इट साउंड्स लाइक कि हाँ कुछ आप रिलेटिव बजा रहे हो, कुछ एकदम अंट शंट नहीं बजा रहे हो। सी मेजर बजा के देखो, आप कहोगे येस। सो मोस्ट प्रोबेबली उस गाने का स्केल सी मेजर ही होगा। सो अब हमने सी मेजर स्केल निकाल लिया, मतलब उसमें इतने नोट्स हैं। अगर आपको गिटार पे ये सारे नोट्स पता है ना, तो आप इस गाने का लीड निकाल सकते हो, दंग 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 दंग, बहुत इजी हो जाता है। आप इसके अलावा कोई नोट मारो ही मत, इसी में से होगा मोस्ट प्रोबेबली, अनलेस वो गाना सलीम सुलेमान या एआर रहमान का है, वो लोग इधर उधर खेलते रहते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, सी मेजर स्केल हो गया है। ए मेजर स्केल निकालते हैं या फिर जी मेजर स्केल निकालते हैं। सब लोग अपनी नोटबुक्स में प्लीज़ लिखते रहो। जी मेजर स्केल निकालने के लिए सबसे पहला नोट कौन सा लिखोगे? यस यू आर करेक्ट, सबसे पहला नोट लिखोगे जी। होल, होल का गैप दो ए, होल होल का गैप दो बी, हाफ सी, होल का फिर से गैप दो, होल होल। अब देखो यहां पे आप तो कंफ्यूज हो गए, ई के बाद होल करना है, ई के बाद हाफ नहीं करना है। ई के बाद अगर हाफ करना होता तो एफ होता, ई के बाद होल करना है तो एफ छोड़ के एफ शार्प लिखोगे। यही डिफरेंस होता है जी मेजर और सी मेजर स्केल में। जी मेजर में एफ शार्प होता है, सी मेजर में सारे नेचुरल नोट्स होते हैं, कोई शार्प नहीं, कोई फ्लैट नहीं। जी मेजर में एक शार्प होता है,
जो कि है हमारी सेवेंथ डिग्री एफ शार्प। ये समझ में आया तो मेरे को यस बोलो। वेरी नाइस, मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूँ। अच्छा, जो मैं पढ़ाता हूँ और जो यूट्यूब लाइव चलता है उसमें 5-6 सेकंड का डिले होता है, सो मुझे 5-6 सेकंड बाद कमेंट्स दिखते हैं। वेरी नाइस, सबके मेरे को यस आ रहे हैं, दैट्स अमेजिंग। और आखिरी नोट जी, ओके, ये हो गया आपका पूरा जी मेजर स्केल। अब हम लोग स्केल निकालना सीख गए। अब मैं आप लोगों को अभी अगर असाइनमेंट दूँ, मैं आप लोगों को 20 सेकंड दे रहा हूँ, 20 सेकंड में आप लोग मेरे को निकाल के दिखाओ डी मेजर स्केल और इसके सारे नोट्स कॉमेंट में लिखो। ऐसे लिखना जैसे सी मेजर स्केल में लिखोगे सी डी एफ जी ए बी सी, जी मेजर लिखोगे जी ए बी सी डी ई एफ शार्प जी। डी मेजर स्केल निकालो अपनी नोटबुक्स में और मुझे सारे कमेंट्स में लिख के दो कि डी मेजर स्केल में ये नोट्स लिख के आए। मैं देखना चाहता हूँ किस किस का आंसर करेक्ट है। मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूँ। बाय द वे गाइस, यस स्टार्ट, निकालो 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 निकालो, मैं सबको देख रहा हूँ। आई एम वेटिंग। डी मेजर स्केल निकालो, डी मेजर स्केल इज योर असाइनमेंट, प्लीज निकालो। डी मेजर स्केल, डी मेजर स्केल कौन निकालेगा? डी ई एफ जी ए बी सी, माहिम जी सॉरी गलत है। कोई और, कोई तो सही आंसर दो, कोई तो बताओ कि जो मैंने अभी पढ़ाया उससे आपको समझ में आया, उससे सही आंसर आएगा। हाँ जी, थैंक यू, यू ऑल्सो कीप इंडोर्स, बी सेफ, सब अपने अपने परिवार के साथ रहें, टाइम स्पेंड करें, कुत्ते बिल्लियों के साथ टाइम स्पेंड करें। डी मेजर स्केल, कम ऑन एवरीवन, कोई तो निकाल के दिखाओ। निकाल के दिखाता हूँ आपको डी मेजर स्केल। पहले हमने फर्स्ट नोट लिखा, फिर होल का गैप ई, फिर होल का गैप एफ शार्प, फिर हाफ का गैप जी, होल होल हाफ, फिर से होल 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 हाफ। अब अगर आप डी मेजर स्केल देखो तो डी मेजर में डी ई एफ शार्प जी ए बी सी शार्प डी। अब मैं इनमें से ओ माय गॉड, मोहम्मद सिराज ने बिल्कुल सही लिखा है। सिराज जी, आपने मेरा छाप तो नहीं दिया कि मैंने बताया और आपने उधर से छाप के आंसर लिख दिया हो? शुभम चौधरी जी, फ़ोन नंबर, अच्छा फ़ोन नंबर, शुभम इंस्टाग्राम पे आओ, बात करेंगे, फ़ोन नंबर की क्या ज़रूरत है, व्हाट्सएप पे भी वही बात होगी, इंस्टाग्राम पे भी वही बात होगी, लेट्स टॉक ऑन इंस्टाग्राम। फ़ोन मैं यूज़ ही नहीं करता, मेरे फ़ोन में सिम ही नहीं है बाय द वे। एनीवेज, सो अपन वाईफाई पे चलता है। व्हाट इज़ पेंटाटोनिक स्केल, इसी में से पेंटाटोनिक स्केल भी निकाल के दिखाऊंगा। सबका ये सॉर्टेड है, अब मैं इसमें से कॉर्ड्स निकालूंगा। रक्षित जी, बिल्कुल सही निकाला आपने, आई थिंक यस। सर मैंने दो टाइम्स लिखा वो सही, किस दो टाइम्स लिखा? अयंगता दास, सॉरी मैंने आपका आंसर नहीं देखा, आपका कमेंट नहीं पोस्ट हुआ होगा मेरे ख्याल से। एनीवेज, फिर से कमेंट करो, सर प्लीज़ प्रेफर मी एन अकूसी गिटार अंडर 1500 पैसे। 1500 पैसे में कौन सा गिटार आता है भाई? एनीवेज, अब मैं इनमें से आपको कॉर्ड्स निकाल के दिखाऊंगा। सपोज कोई सॉन्ग है वो डी मेजर या सी मेजर पे फिट हो रहा है, उसमें कॉर्ड्स कैसे निकलेंगी आप देखो। सबसे जो आप लोगों का अगर 1000 कमेंट्स होते हैं तो उसमें से 999 कमेंट्स ये आते हैं कि कॉर्ड्स कैसे निकालो। आज इस बात का फैसला हो जाएगा, इसका आंसर दे दिया जाएगा। हाँ हाँ, 1500 रुपये में बताऊँगा कौन सा गिटार, 15000 रुपये मेरे बहुत अच्छे अच्छे गिटार आ जाएंगे। सो मेजर स्केल में से अब हम लोग कॉर्ड्स निकालेंगे, ठीक है। सो कॉर्ड्स निकालने को हम बोलेंगे हार्मोनाइजिंग द मेजर स्केल, हार्मोनाइजिंग, हार्मोनाइजिंग द मेजर स्केल। अब देखो कॉर्ड्स निकालते हैं, सबसे सिंपल स्केल की बात करते हैं जो कि है हमारा सी मेजर स्केल। अच्छा, व्हाट इज एन ऑक्टेव? ऑक्टेव होता है 8 नोट, 8 नोट इज एन ऑक्टेव, मैं इसको बोलता हूं ऑक्टेव 1। अगर मैं इसके आगे 8 और लिख दूं या थोड़ा सा बढ़ा दूं सी डी ई एफ जी, तो ये सेकेंड ऑक्टेव चल रहा है, सेकेंड ऑक्टेव, सेकेंड ऑक्टेव, ओके। ऑक्टेव भाई लोग याद रखना, ऑक्टेव इज 8 नोट, ऑक्ट इज 8 नोट, ठीक है।
नाउ सर, आपकी राइटिंग कितनी अच्छी है। अरे बहुत बुरी आ रही है भाई आज। हमने ऑक्टेव्स लिख दिए, दो ऑक्टेव्स लिख दी। अब देखो कॉर्ड्स कैसे निकालते हैं। सबसे पहले एक चीज याद रखना, मेजर मेजर कॉर्ड निकालने का फॉर्मूला, मेजर कॉर्ड निकालने का फॉर्मूला होता है रूट प्लस टू प्लस वन एंड हाफ। अब ये क्या है मैं आपको समझाऊंगा, डरना मत। माइनर कॉर्ड निकालने का फॉर्मूला है, माइनर का फॉर्मूला है रूट प्लस वन एंड हाफ प्लस टू। इसको ऐसे याद रखना, मेजर मतलब बड़ा, मतलब रूट प्लस टू पहले बड़ा आ जाएगा, माइनर मतलब छोटा, रूट प्लस वन एंड हाफ प्लस टू। ये फॉर्मूला हमने लिख लिया है तो मेरे को यस लिखो। आई थिंक हम लोग 50 लोग हैं लाइव में, विच इज ग्रेट। सब लोग मेरे को यस लिखो अगर आपने ये फॉर्मूला समझ लिया है और लिख लिया है, या 1 2 5 ऐसे करके भी लिख सकते हो। मैं ऐसे, मुझे ऐसे ज़्यादा अच्छा लगता है, ऐसे मैंने ऐसे ही पढ़ा था। वेरी नाइस। बहुत सही। अब देखो, अब ये फॉर्मूले याद रखना, ये फॉर्मूले याद रखना। अब हम इसमें से कॉर्ड्स निकालने वाले हैं। मैं ये फॉर्मूले कोने में रख देता हूँ, ठीक है। मेजर माइनर ये ऊपर लिखे हुए हैं, ठीक है। अब देखो सी मेजर स्केल जो हमने ये लिख लिया है, अब इसमें से हम कॉर्ड्स निकालेंगे। नाउ सी, कॉर्ड्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, एक निकालो एक छोड़ो, एक निकालो एक छोड़ो। सी को पकड़ा, डी छोड़ा, ई को पकड़ा, एफ छोड़ा, जी को पकड़ा, तो तीन नोट निकल गया। हम ट्रायड्स में बात कर रहे हैं अभी, ट्रायड्स। ट्रायड मतलब तीन नोट, तीन नोट की कॉर्ड जो जो बनेंगी, थ्री नोट कॉर्ड्स, ठीक है। सी से तीन चीजें बनी, क्या, सी ई जी। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, रूट प्लस टू प्लस वन एंड हाफ। अब ये सी कॉर्ड है तो इसका रूट है सी, रूट क्या है सी। अब अगर आप सी और ई के बीच में गैप देखो, सी और ई के बीच में गैप, तो देखो सी शार्प, डी, डी शार्प और ई, तो ये कितना हो गया, ये टू हो गया। टू मतलब हाफ 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 हाफ, फोर हाफ मेक हाफ इज ये प्लस हाफ, कितना हो गया, टू हो गया ना। सी और ई के बीच में टू का गैप हुआ कि नहीं हुआ, यस लिखो अगर समझ में आया हो। सर आई लाइक योर हेयर स्टाइल, थैंक यू सो मच ब्रदर। ये समझ में आया, सी और ई के बीच में दो का गैप है, सी शार्प डी, डी शार्प ई, दो का गैप है। ओके वेरी नाइस। नाउ अब हम गैप देखेंगे ई और जी के बीच में। सो सी और ई के बीच में दो का गैप है, सी और ई के बीच में दो का गैप है। अब ई और जी के बीच में गैप देखो, ई और जी के बीच में गैप देखो, एफ एफ शार्प जी, तो कितना गैप हुआ, वन एंड हाफ का गैप हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, यस बताओ। सर दोबारा बताना, आशीष जी मैं दोबारा बताता हूँ क्योंकि आपने पूछा है। सी और ई के बीच में आशीष जी गैप देखिए, सी को मत काउंट कीजिएगा, सी शार्प डी, डी शार्प ई, तो हाफ 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 हाफ, हाफ प्लस हाफ इज वन, हाफ प्लस हाफ इज वन, वन प्लस वन इज टू, तो सी और ई के बीच में दो है। आशीष जी आप समझ में आया, आशीष कुमार अगर आपको समझ में आया हो तो मेरे को बताइए। आशीष जी मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ। सी आई एम सो पर्टिकुलर, मैं क्लास में हर स्टूडेंट का ध्यान रख रहा हूँ कि किसको इसको नहीं समझ में आया, मैं पूरा समझाऊंगा। वेरी नाइस आशीष। साई बटन देवेश, येस ऑफ कोर्स आई रिमेंबर यू। हाँ 135 वाला वो भी सही है, बट शुरू में बेसिक्स ऐसे समझा जाता है गाइस। सो अब हमने देखा कि ई और जी के बीच में वन एंड हाफ का गैप है, तो अगर आप देख रहे हो दिस इज रूट प्लस टू प्लस वन एंड हाफ। हमने क्या पढ़ा था, जब भी रूट प्लस टू प्लस वन एंड हाफ होगा वो मेजर कॉर्ड होगी, तो सी मेजर स्केल में जो पहली कॉर्ड है वो है सी मेजर, ऐसे लिखते हैं, उसके आगे कुछ नहीं लिखेंगे। सी के आगे अगर मैंने छोटा सा एम लिख दिया वो सी माइनर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉर्ड पे आते हैं। वेरी नाइस आशीष जी समझ में आ गया, शुभम वेरी नाइस। अथर्व लॉस्ट समवेयर, अथर्व वेयर आर यू लॉस्ट, कहाँ है ध्यान तुम्हारा, क्लास में तुम किसको देख रहे हो। एनीवेज अब हम आएंगे डी पे, सी का कॉर्ड हमने निकाल लिया है, सी को सर्कल कर लेंगे। अब डी पे आओ, एक पकड़ो एक छोड़ो, एक पकड़ो एक छोड़ो, डी एफ ए इज आर नेक्स्ट ट्रायड, डी एफ ए।
अब इसके बीच में डिस्टेंस निकालो, डी और एफ के बीच में देखो कितना डिस्टेंस है, डी शार्प ई एफ 1.5, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ इज 1.5, सो रूट प्लस 1.5 हो गया यहां पे। एफ और ए के बीच में कितना डिस्टेंस निकालो, एफ शार्प जी, जी शार्प ए, क्या हुआ, रूट प्लस 1.5 प्लस 2, हमने पढ़ा था रूट प्लस 1.5 प्लस 2 विल बी अ माइनर कॉर्ड, रूट प्लस 1.5 प्लस 2 विल बी अ माइनर कॉर्ड। माइनर कॉर्ड को कैसे लिखते हैं गाइस, ध्यान से देखना, डी माइनर, एम आई एन ओ आर लिखने की जरूरत नहीं है, और जिनकी स्पेलिंग गलत है प्लीज एम आई एन ई आर मत लिख दिया करो, बड़ा बचकाना लगता है। आई एम फेसिंग प्रॉब्लम इन बार कॉर्ड्स, हाँ बार कॉर्ड्स में सबको ही प्रॉब्लम है, पूरी दुनिया को प्रॉब्लम है बार कॉर्ड्स में, वो केवल प्रैक्टिस करने से ही ठीक होती है। अब हम अगला ट्रायड लेंगे, ट्रायड मतलब तीन नोट्स, मैंने आपको बताया था तीन नोट्स, एक पकड़ो एक छोड़ो, एक पकड़ो एक छोड़ो, ई जी बी। अब कोई मुझे बताएगा ई जी बी कौन सी कॉर्ड है सी मेजर में, अब ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, मुझे आंसर चाहिए 20 सेकंड के अंदर, देखें कौन कौन बता पाता है, और मेरे को विद एक्सप्लेनेशन बताना कि ये वाली कॉर्ड है इसलिए ये वाली कॉर्ड है क्योंकि इस फॉर्मूले में लग रही है। सैमरन जी सही आंसर, संदीप जी फॉर्मूला मिस हो गया, संदीप जी ये रहा फॉर्मूला, मेजर कॉर्ड का ये रहा फॉर्मूला, माइनर कॉर्ड का ये रहा फॉर्मूला, ये मेजर का है ये माइनर का फॉर्मूला है, अभी इसमें से एक कॉर्ड निकल के आएगी जो किसी फॉर्मूले में नहीं बैठेगी, मैं देखता हूँ वो किस किस को आती है। वेरी नाइस कृष्ण, अग्रिम, तनिष्क, सैमरन, आप लोगों के आंसर सही हैं, बाकी लोगों को नहीं समझ में आ रहा है क्या, बाकी लोगों के भी मेरे को आंसर्स चाहिए। रेबेल बिल्कुल सही आंसर है, ई माइनर, ई माइनर क्यों है, ई और जी के बीच में 1.5 का गैप है, जी और बी के बीच में 2 का गैप है, तो ई माइनर। अब मैं इतना मिटा देता हूँ, आई होप सबने लिख लिया है, लिख लिया हो तो येस बोलो ताकि मैं इसको मिटा दूँ। वेरी नाइस आइबर्टन, यश का भी सही जवाब है, आशीष जी ई माइनर बिल्कुल सही। अब मैं इतना मिटा देता हूँ और जो जो हमने कॉर्ड्स निकाली है मैं उन कॉर्ड्स के नाम लिख लेता हूँ। अभी तक हमने निकाली है कि हमें सी मेजर में से सी मेजर मिली, डी माइनर मिली और ई माइनर मिली। अब अगर हम एफ पे आए, एफ पे कौन सी कॉर्ड निकली, एक पकड़ो एक छोड़ो, एक पकड़ो एक छोड़ो, एफ ए सी, एफ ए सी, एफ और ए के बीच में आप देखोगे 2 का डिस्टेंस है, ए और सी के बीच में 1.5 का डिस्टेंस है। अब मैं थोड़ा सा जल्दी चलूंगा क्योंकि सबको इतना आ गया है। एफ मेजर कॉर्ड निकला, जी बी डी, जी बी के बीच में 2 का डिस्टेंस है, बी डी के बीच में 1.5 का डिस्टेंस है, जी मेजर निकल के आया। ए का अगर हम कॉर्ड निकालें, ए सी ई, ए और सी के बीच में 1.5 का डिस्टेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, ए माइनर, ठीक है, मतलब एफ मेजर जी मेजर और ए माइनर निकल के आई तीन और कॉर्ड्स। अब आते हैं हम जहाँ पे सबको प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई ये कौन सी कॉर्ड निकल के आई है, अब ठीक है, एफ मेजर जी मेजर ए माइनर। अब अगर हम बी पे आते हैं, एक पकड़ा एक छोड़ा, एक पकड़ा एक छोड़ा, बी डी एफ, सब ध्यान से देखिएगा, ये सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट है, जो लोग ब्लूज जैज सीखने वाले हैं उनके लिए तो ये बहुत तगड़ी चीज़ है। नाउ बी डी एफ, बी और डी के बीच में कितना डिस्टेंस है मेरे को कमेंट करके बताओ, बी और डी के बीच में कितना डिफरेंस है, 1.5 है, 2 है, 1 है, 2.5 है, क्या डिफरेंस है, अक्की जी बिल्कुल सही, सर आप कहाँ से हो, मैं इंडिया से हूँ, शिवम सही जवाब है, यस, सो बी और डी 1.5 2 1.5 2 कंफ्यूज हैं अभी तक लोग, गाइस बी को नहीं गिनना है, सी सी शार्प डी इतना गिनना है, कितना हुआ 1.5 हुआ ये, डी और एफ के बीच में कितना गैप है, डी और एफ के बीच में क्या इंटरवल आ रहा है मेरे को निकाल के बताओ, डी और एफ के बीच में क्या इंटरवल आ रहा है, 1 रॉन्ग, सैमरन सारमन यू आर रॉन्ग, गौरंगा रॉन्ग, रेबेल बिल्कुल सही, अमन रॉन्ग, साइबटन देवेश सही, कोई और, राजरत्न जी गलत, टेक ड्रॉप गलत, अगेन समझाता हूँ, शुभम चौधरी गलत, डी नहीं गिनेंगे, डी शार्प ई एफ 1.5 अगेन 1.5। अब आप गाइस देख रहे होगे
कि ये तो गजब ही फॉर्मूला निकल के आया। ये फॉर्मूला निकल के आया रूट प्लस वन एंड हाफ प्लस वन एंड हाफ। अब आप कहोगे आकाश सर चीटिंग कर ली आपने, आप तो वो मैथ टीचर हो जो एक फॉर्मूले से सम कराते हो फिर अगला सम देते हो जिसमें फॉर्मूला लग ही नहीं रहा होता है, क्योंकि अभी हमने दो फॉर्मूले पढ़े, इन दो फॉर्मूलों में से कोई भी फॉर्मूला लग ही नहीं रहा है। अब हमेशा याद रखना गाइस, आज के बाद ये बात हमेशा याद रखना, इस कॉर्ड को हम कहते हैं डिमिनिश्ड कॉर्ड। क्या बोलते हैं? डिमिनिश्ड कॉर्ड। आप कई बार नेट पे देखते हो ना ऐसे बी डिम लिखा रहता है, आप कहते हो आकाश सर ये कौन सी कॉर्ड है, डिम? डिम क्या मतलब? कम रोशनी है? नहीं, बी डिमिनिश्ड। जब भी हमें कोई कॉर्ड मिलेगी जिसमें रूट प्लस वन एंड हाफ प्लस वन एंड हाफ लग रहा होगा, दैट विल बी अ डिमिनिश्ड कॉर्ड। सो अब हम हमेशा याद रखेंगे। अब मैं आपको एक बहुत सही चीज बताऊंगा, एक बहुत सीक्रेट मेरा, जो मेरे को पता चला था तब से मैं उसको बहुत ज्यादा यूज करने लग गया था, और बहुत तगड़ा सीक्रेट। जी मेजर स्केल जो गाइस हमने निकाला था ना, वो ये निकाला था। आप लोग अपनी कॉपी में पीछे पलटो तो हमने जी मेजर स्केल ये निकाला था। निकाला था कि नहीं निकाला था? यस बोलो। जी मेजर स्केल हमने ये निकाला था, आई वॉन्ट अ यस। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आप लोग को एक बहुत तगड़ा सीक्रेट बताता हूँ। वजाहत जामिल, आर यू फ्रॉम पाकिस्तान? आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करते रहते हो। सो अब गाइस सीक्रेट देखो, जब भी कोई स्केल निकल आए ना, एक सीक्रेट बताता हूँ, उसमें से कॉर्ड्स कैसे निकलती हैं, हमेशा याद रखना। मेजर माइनर माइनर मेजर मेजर माइनर डिमिनिश्ड, हर स्केल में यही फॉर्मूला लगता है, हर स्केल में। डी मेजर स्केल, अभी मैंने आप लोगों को डी मेजर स्केल निकालने को बोला था, डी ई एफ शार्प जी ए बी सी शार्प, डी मेजर स्केल था। इसमें बताया कौन कौन सी कॉर्ड्स लगेंगी? मेजर माइनर माइनर मेजर मेजर माइनर डिमिनिश्ड, याद रखना ये चीज हमेशा। मेजर माइनर माइनर मेजर मेजर माइनर डिमिनिश्ड, मेजर माइनर माइनर मेजर मेजर माइनर डिमिनिश्ड। क्या कहते हो गाइस, ये सही लगा फॉर्मूला? सही है, लेट मी नो। मैं आपको ये मेजर स्केल हार्मोनाइज प्ले करके दिखाता हूं। अगर हम सी मेजर की बात करें, अगर मैं सी मेजर ऐसे प्ले करूं, या मैं इसको हार्मोनाइज प्ले करूं, ना ना ना, अब मैं इसको हार्मोनाइज प्ले करूं, बिल्कुल वही साउंड हो रहा है, बस मैं उसको कॉर्ड्स में बजा रहा हूं। सो दिस इज सी मेजर, डी माइनर, ई माइनर, एफ मेजर, G मेजर, A माइनर, B diminished, C मेजर। अब हमने इधर लिखा था D का मैं सेम प्ले करता हूं, D शुड साउंड लाइक, ओप्स, बिल्कुल वही साउंड कर रहा है। ये इसमें से यही कॉर्ड्स निकल के आती हैं। ओके, अब आते हैं सेवेंथ कॉर्ड्स, डोमिनेंट सेवेंथ, माइनर सेवेंथ, मेजर सेवेंथ, जिसमें सबका बिल्कुल दिमाग घूम जाता है, शुरू में मेरा भी घूम। आई होप ये सबने लिख लिया है। इसे यूज कैसे करेंगे, अब मैं दिखाऊंगा इसको यूज कैसे करेंगे। आई होप सबने ये लिख लिया है, मैं इसको रब कर सकता हूँ, गिव मी अ यस। अगर सबने लिख लिया है, मैं इसको रब करके सेवेंथ कॉर्ड्स पे आऊंगा। अब डिमिनिश कॉर्ड्स का एक वीडियो बनाना, डिमिनिश कॉर्ड्स, ठीक है। मैं आपको एक जो सैट्रियानी का सॉन्ग भी बताऊंगा जो केवल डिमिनिश कॉर्ड्स पे बना है। सबने लिख लिया तो मैं इसको रब कर दूं। यस आई होप सबने लिख लिया।
अब हम लोग फिर से सी मेजर स्केल लिखेंगे। एक और ऑक्टेव लिख लेता हूँ थोड़ा सा। अब हम लोग चार नोट निकालेंगे। अभी हमने ट्रायड्स निकाले थे, तीन तीन नोट, अब हम चार चार नोट निकालेंगे। चार चार नोट का क्या मतलब है? सी ई जी बी, पहला ये कॉर्ड निकलेगा। अभी तक हमने निकाला था सी ई जी, अब हम निकालेंगे सी ई जी एक और बी, सी ई जी और बी। ये कौन सी कॉर्ड होगी गाइस? दिस विल बी अ सी मेजर सेवेंथ, ऐसे लिखते हैं। एक ट्राइंगल बना दो, सी मेजर सेवेंथ। कैसे? मैं इसको ऐसे बताऊंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब याद रखना, किसी भी स्केल का 1 3 5 7 विल बी अ मेजर सेवेंथ कॉर्ड। 1 3 5 7 विल बी अ मेजर सेवेंथ कॉर्ड, ये याद रखना। नाउ डी पे आओ, डी एफ ए सी, डी एफ ए सी। अब देखो, 1 फ्लैट 3 5 फ्लैट 7। अब ये फ्लैट फ्लैट कहां से आया आप लोग बोलोगे? डी मेजर स्केल को याद करो, डी कॉर्ड की बात कर रहे हैं, डी मेजर स्केल को लिख लो एक बार जरा। डी मेजर स्केल था हमारा ये। अब देखो, हर चीज हम उसके करस्पॉन्डिंग मेजर स्केल से निकालेंगे। अगर आप इसके नंबर्स लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो, क्योंकि यहां पे एफ लग रहा है, एफ शार्प नहीं लग रहा है, तो जो इसका थर्ड नोट था, हम उसको, हमने डी को तो लिया ही, थर्ड नोट को हमने फ्लैट थ्री लिया, क्योंकि एफ नहीं लग रहा है, एफ था थर्ड, अब हम फ्लैट थ्री लेंगे। आई होप ये सबको समझ में आ रहा है, इसलिए हमने एफ चाहिए था, एफ इज फ्लैट थ्री। थर्ड को लो एक फ्लैट कर दो, एफ को लो एक फ्लैट कर दो। 1 3 8 5 5 हमने लिया, बिल्कुल सही है, 1 3 5। और इधर हमने जो सेवेंथ लिया वो फ्लैट सेवेंथ लिया। 1 फ्लैट 3 5 फ्लैट 7 इज अ माइनर सेवेंथ कॉर्ड। समझ में आ रहा तो यस बोलो। काफी हो गए तो ऊपर से शायद निकल गया है, तो क्विट कर गए हैं। विनीत जी समझ में आ रहा है, सारमन समझ में आ रहा है, राजरतन जी रिपीट करता हूं। सो हमने डी का निकाला, हम चार चार नोट्स निकालने हैं, डी एफ ए सी, डी एफ ए सी निकाला। अब हम इसको डी मेजर स्केल से रेफर कर रहे हैं। डी मेजर स्केल का फर्स्ट नोट डी था, थर्ड नोट एफ शार्प था, बट हमें चाहिए एफ, तो हमने क्या किया, थर्ड नोट को फ्लैट लिया। फिफ्थ नोट बिल्कुल यही था, सेवेंथ नोट सी शार्प था, बट हमें सी चाहिए, तो फ्लैट सेवेंथ। जब भी आपका जो चार नोट्स है वो इस फॉर्मूले में लगे, 1 फ्लैट 3 5 फ्लैट 7, इट विल बी अ माइनर सेवेंथ कॉर्ड। माइनर सेवेंथ कॉर्ड का ये फॉर्मूला होता है। अब आ जाओ ई पे। ई कौन सी कॉर्ड बनाएगा? ई बी जी और डी। इसका देखो, 1 फ्लैट 3 5 फ्लैट 7, फिर से सेम कॉर्ड, तो दिस इज अ माइनर सेवेंथ अगेन, माइनर सेवेंथ। अभी तक हमने सी मेजर में से निकाली है, सी मेजर सेवेंथ जो कि ऐसे लिखते हैं, डी माइनर सेवेंथ और ई माइनर सेवेंथ। अभी तक हमने तीन कॉर्ड्स निकाल लिए, मैं इनको रब करना चाहता हूँ विद योर परमिशन। गाइस थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं, थोड़ा सा लंबा हो रहा है, इतना देर हमारा दिमाग कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, ये मुझे पता है। एफ ए सी और ई अगेन, अगर आप इसको देखो तो 1 3 5 7, तो एफ मेजर सेवेंथ कॉर्ड। अब एक उस पे आते हैं जहाँ पे प्रॉब्लम आती है, जी बी डी और जी बी डी एफ। अब देखो, 1 3 5, अब इसको एक बार जी मेजर से कंपेयर कर लो,
जी ए बी सी डी ई एफ शार्प। हमने 1 लिया, हमने 3 लिया, हमने 5 लिया, ठीक है, और 7th। इसका कौन मुझे बता पाएगा? 1 3 5, और इधर हमने फ्लैट 7th आ गया, 1 3 5 फ्लैट 7। अभी तक हमने पढ़ा था 1 फ्लैट 3 5 7, अब 1 फ्लैट 3 5 फ्लैट 7। अब 1 3 5 फ्लैट 7, 1 3 5 इज अ मेजर फ्लैट 7th, ये हल्का सा माइनर हो रहा है। यहाँ पे गाया जाता है डोमिनेंट कॉर्ड, दिस इज अ जी 7th। जी 7th का मतलब होता है जी डोमिनेंट 7th, जी डोमिनेंट 7th कॉर्ड, ये हमें याद रखना है। अगर आप फिर से ए पे आओगे तो ए माइनर 7th निकल के आएगा, बी पे आओगे, बी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हटके है, बी पे आओगे तो आएगा बी डी एफ और ए, 1 फ्लैट 3 फ्लैट 5, और ये कौन सा होगा? एक बार बी मेजर स्केल निकाल के देख लेते हैं, होल होल हाफ होल 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 हाफ, तो ये भी फ्लैट 7। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 फ्लैट 3 फ्लैट 5 फ्लैट 7, कौन सा स्केल होगा, कौन सा कॉर्ड होगा? इसको बी माइनर 7th फ्लैट 5 बोलते हैं, क्योंकि बीच में फ्लैट 5 है, बी माइनर 7th, पूरी माइनर 7th बन रही थी, अगर ये 5 होता तो ये पूरी बी माइनर 7th बन जाती, बट ये फ्लैट 5 है, तो बी माइनर 7th फ्लैट 5, इसको बी हाफ डिमिनिश्ड भी बोलते हैं। आई होप गाइस इतना समझ में आया हो, क्वेश्चंस अब मेरे को बम्बार्ड करना चालू करो जहाँ जहाँ नहीं समझ में आया। बी माइनर 7th फ्लैट 5, आई होप इतना समझ में आया। जी डिमिनिश 7th कहाँ से आ गया? जी डॉम 7th कहते हो ना उसको, डोमिनेंट 7th, जी का डोमिनेंट 7th है। कोई भी स्केल होगा उसका जो 5th डिग्री है, सी डी एफ जी, जो 5th डिग्री है वो हमेशा डोमिनेंट कॉर्ड बनाएगा। अगर डी है तो ए डोमिनेंट कॉर्ड बनाएगा, अगर जी है, जी का 5th डिग्री इज डी, डी डोमिनेंट कॉर्ड बनाएगा। सो मेजर 7th, माइनर 7th, माइनर 7th, मेजर 7th, डोमिनेंट, माइनर 7th, हाफ डिमिनिश्ड, ऐसे बनता है। अब इनका जो यूज है, सबने बोला इनका यूज क्या है, इसका यूज मैं आपको नेक्स्ट यूट्यूब लाइव पे पूरा समझाऊंगा। और आप कहाँ से हो? मैं इंडिया से हूँ करण भाई, मैं इसका यूज़ आपको नेक्स्ट लाइव वीडियो में समझाऊंगा। उससे पहले मैंने एक लेटेस्ट ट्रैक डाला है, आई एम अ डिस्को डांसर वर्जन 2, बेनी दयाल ने गाया है। आप लोग कह रहे होगे आकाश सर ने डांस गाना क्यों कवर किया, मतलब उसमें गिटार भी नहीं है, बट उसमें ये सारी कॉर्ड्स हैं, उसमें इतनी बढ़िया बढ़िया कॉर्ड्स हैं, ट्रस्ट मी गाइस, गो टू माई चैनल और ये वाला सॉन्ग सुनो, उसमें इतनी बढ़िया कॉर्ड्स हैं, मतलब जहाँ पे जी बी माइनर हो रहा है वहाँ पे कंपोजर जी बी मेजर भी कर दे रहा है, जहाँ पे बी माइनर लगने वाला है वहाँ कंपोजर ई 7th बजा रहा है, बहुत अच्छी कॉर्ड्स है, मैंने इसलिए वो सॉन्ग कवर किया है। सो आप ये पूरा देखो, बाकी वीडियोज़ को रेफर करो। रे सासो की मैंने अपलोड किया था, मैं उसका ट्यूटोरियल बनाने वाला हूँ क्योंकि उसकी बहुत डिमांड आई है, उसका जो शुरू का लेगाटो है मैं उसका ट्यूटोरियल बनाऊंगा रे सासो की। नादान परिंदे के 2 सोलोज हैं, उसमें कॉम्प्लेक्स टाइम सिग्नेचर्स हैं इसलिए वो सोलो कवर नहीं हो पाते हैं, मैं वो नादान परिंदे का सोलो कवर करने वाला हूँ। वीडियो सेव बिल्कुल होगा ताकि आप इसको फिर से जाके रेफर करके देखो। सो गाइज नाउ आई थिंक आई शुड टेक लीव, आज आई होप सब लोग घर पे ही हैं, आज सबको घर पे रहने को रिक्वेस्ट किया गया है। सो दिस वॉज आवर फर्स्ट लाइव सेशन, इसका फुल फॉर्म आप सबको पता ही है। अब जल्दी से फिर से मिलते हैं, मैं एक अपडेट डालूंगा, मेरे कम्युनिटी पोस्ट को देखते रहा करो, इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करो, अकी हिमसेल्फ इज़ माय हैंडल। इतना समझ में आया हो, ना समझ में आया मेरे को सारे डाउट्स उधर भेजना, मैं सबको क्लियर करूंगा, या फिर इधर कमेंट पे लिखना। गाइस टेक केयर, सेफ, स्टे सेफ, बी इन, कीप वॉशिंग हैंड्स, बाय बाय।